हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब लोग अच्छे हैं। तो आ गए हैं जंगली गेमिंग अपनी नई वीडियो लेकर। तो आज हम लोग कराने वाले हैं डीओ गाइल टूर्नामेंट और हमारी टीम नंबर वन है पिकाचू, चेजी स्टार, चेजी बॉस, ड्रैगन भाई, अननोन भाई, ऐसे बहुत ही इत्यादि प्लेयर्स आप लोग देख सकते हो। अकमल भाई, यतीश भाई, चेजी सुअर, पीएम मोदी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एससी मिस्टर देव, लेजेंड भाई, गोल्डन फॉक्स और व्हाइट फॉक्स, जय भाई, विष्णु भाई, शेडो शूटर, सभी जो है बढ़िया प्लेयर, जेजी किंग, कार्पेडियम, ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। ऐसे जो है 12-13 टीमें खेल रही है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ पे जो है पूरा FFIC कप जैसा माहौल जो है बन चुका है। सभी जो है खतरनाक प्लेयर्स एक ही रूप के नीचे आ गए हैं खेलने के लिए। तो सभी प्लेयर्स जो अपनी अपनी लैंडिंग कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। तो मुझे जो है स्टार्टिंग में कोई फाइट नहीं दिख रहा है। व्हाइट फॉक्स और गोल्डन फॉक्स जो है पीक के टूटी छत में मकान पे उतरे हैं जहाँ पे वो लोग नॉर्मली उतरते हैं। लोमड़ी भाई जो है एक आध बार बुया किया है, ठीक है, और कोई जो है दूसरी बार बुया अभी किया नहीं है। पीएम मोदी ने एक बार बुया किया है। सुअर भाई जो है अभी भी बिना बुया के ही है गाइल टूर्नामेंट में, जो उनका बुया नहीं हो रहा। अकमल भाई का भी जो है बुया नहीं हुआ है। अननोन भाई जो है यहाँ पे आगे बढ़ चुके हैं पीबी ड्रैगन के साथ। तो यहाँ पे अभी जो है सभी लोग जो है फिलहाल जो अपना लूट लाट का काम करेंगे। स्टार्टिंग में जो है मेरे हिसाब से सभी लोग जो अच्छे से लूट लेना चाहिए। और पहले जोन में जो है मैं कोई भी फाइट देख नहीं रहा हूँ। और यहाँ पे जो 108 का किसी को तो हेड चिपका दिया है। और यहाँ पे जो है पिकाचू भाई का हो गया काम तमाम। पिकाचू भाई के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उनके पार्टनर जो है अवर चंडाई किए, इतनी नीचता जो है क्रूरता दिखाई है बंदे ने, जो है पिकाचू का टीम छोड़ दिया और बैक हो गया कमीना। और यहाँ पे जो पीएम मोदी और सुअर ने जो है धावा बोल दिया है। पीएम मोदी और सुअर ने जो है एक बंदे को लपेट लिया है। जेजी सुअर ने जो है हेड शॉट के साथ जो है श्री गणेश किया है। तो ये जो है हमारे फेवरेट कंटेंडर लग रहे हैं आज बुइया के लिए। लेकिन जो है कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। सभी लोग जो यहाँ पे डांस डूंस कर रहे हैं। चेजी बॉस और चेजी स्टार के जो है लूट हो चुके हैं और AWM M2P के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फो अननोन जो है यहाँ पे आ रहे हैं। अकमल भाई जो है यहीं पे, तो अकमल भाई और यतीश भाई ने जो है बॉस और स्टार की जो है मैं यहाँ पे फाइट देख सकता हूँ। तो क्या यहाँ पे जो है मुझे स्टार्टिंग में दूसरी फाइट भी देखने को मिल सकती है या फिर मेरा हो सकता है पोपट, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अभी तो जो है फर्स्ट जोन भी नहीं बना और यहाँ पे जो है 2-3 बंदे कम हो गए हैं। तो आप लोग जो है गेम की इंटेंसिटी को समझ सकते हो और सभी लोग जो है अपना पोजिशन भी होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में अगर जो है बंदे कोई दिख रहे हैं तो उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है अकमल भाई ने जो है किसी को स्पॉट कर लिया है। तो यहाँ पे जो है लाल डॉट हो रहा है और टपुक टिपुक टपुक टपुक, और यहाँ पे जो है एक बंदे को नॉक कर लिया है अकमल भाई ने। तो ये जो है बॉस स्टार, ओ माय गॉड, स्टार भाई को जो इतना कॉर्नर से नॉक किया है, किसी को भी ना दिखे इतना इंटेलिजेंट IQ यूज किया है अकमल भाई ने। OP अकमल इन द चैट हो जाना चाहिए, क्योंकि जीरो स्कोपिंग, जब आपके पास स्कोप नहीं है और आप जो है बंदा ऐसे आइडेंटिफाई करते हो। और बॉस जो यहाँ पे 5000 IQ लगा रहा है और दीवार में से जो है उन्होंने रिवाइव दे दिया है। भाई साहब यहाँ पे जो है सभी लोग जो है शेर के बढ़कर सवा शेर है, कैसे रिवाइव दे दिया आप लोग देख सकते हो। और गाइस इससे ज़्यादा दिमाग कौन चलाएगा भाई। अकमल भाई ने जो है दिमाग चलाया, बॉस ने उससे जो है डबल दिमाग चलाया। और यतीश भाई जो है यहीं पे खड़े और यतीश भाई स्टार की जो मुझे मारा मारी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे जो है यतीश भाई पीछे जाते हुए और बॉस भाई जो यहाँ पे, और स्टार भाई ने जो है गोली मारने की कोशिश की। MAG 7 जो है खटारा दूसरा गन है, लेकिन स्टार भाई ने जो क्रोनो लगा के अपनी सेफ्टी कर लिया। बॉस जो है पीछे भाग रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा बॉस क्या कर रहे हैं। यहाँ पे उसको डीओ पार्टनर की जरूरत है और बॉस जो है एज यूजुअल पीछे भाग जाते हैं। बॉस का जो है बहुत ही खराब गेम प्ले। और यहाँ पे मैं अभी समझ गया कि बॉस भाई जो है पीछे गए हैं, इसका मतलब जो है पीछे से फायरिंग आएगा उनके लिए। बहुत ही ज़्यादा चालाकी से जो है बॉस कर रहे हैं, क्योंकि बॉस के पास शायद दोनों लॉन्ग रेंज का गन है। अकमल भाई जो अभी कवर में आ गए और इनहेलर मार रहे हैं। तो जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्द से लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो है गाइल टूर्नामेंट होता है ऐसे ही खतरनाक। तो गाइस जिसने को भी हमारा गाइल ज्वाइन करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे मुझे जो है मैसेज कर दो। तो अगर आप लोग जो है ठीक ठाक प्लेयर रहेंगे, खेलते हुए रहेंगे, तो हम लोग जो है आपको आराम से गाइल में ले लेंगे। हम लोग को प्रो प्लेयर्स नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक ठाक खेलने वाला बंदा भी रहेगा तो भी हमको चलेगा। यहाँ पे जो है लोमड़ी, दोनों लोमड़ी सफ़ेद और सुनहरी लोमड़ी दिख गए हैं। यश भाई दिख गए हैं, यश भी यश सी, ठीक है, सुनहरी और सफ़ेद लोमड़ी जो यहाँ पे दिख गई है। तो यतीश भाई और अकमल भाई दोनों डैमेज है, ठीक है। तो बॉस जो है कहाँ पे है, बॉस का पोजीशन अभी तक ये लोग लोकेट नहीं कर पाए। और स्टार भाई जो है कहाँ चले गए किसी को पता नहीं चला।
सभी लोग जो है बहुत ही ज़्यादा आराम से खेल रहे हैं। स्टार भाई जो है नीचे ही खड़े और बॉस भाई के पास दोनों लॉन्ग रेंज का ही गन है। मैंने जो अनुमान जो है सही लगाया, तो बॉस ने जो अपना दिमाग लगाया है। अगर बॉस के पास शॉर्ट रेंज का गन होता तो आज जो है बॉस को मैं बहुत ही ज़्यादा सुनाने वाला था, क्योंकि बॉस अगर शॉर्ट रेंज के गन में मारता नहीं तो फिर मैं मार देता। और यहाँ पर जो है बॉस ने 101 का चांदला किया है, ठीक है। तो अभी भी जो है स्नाइपिंग उनका ठप्पा ठप चालू है मेरे हिसाब से। यहाँ पर हम लोग देखेंगे और ओ यतीश भाई जो है बहुत ही कम एचपी पे जो है सो गए हैं। अकमल भाई को जो है डैमेज दिया है उतने ही गोली पे है भाई साहब। यहाँ पे जो है बहुत सारा लोचा लापसी का काम चल रहा है, क्या पता यहाँ में से कौन सा डीओ सर्वाइव करके जाएगा या फिर दोनों यहाँ पे भाग जाएंगे। अननोन भाई जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बॉस भाई जो है, स्टार भाई जो है स्कोप पिन करके जो है एफकेएस के जो है बहुत ही बड़े दीवाने हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। लेजेंड भाई भी जो आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे लेजेंड जेजी लेजेंड नहीं है, दूसरे लेजेंड है, ठीक है। तो दूसरे भी लेजेंड होते, लेकिन हमारा जेजी लेजेंड गाँव में था, तो ये वाले में जो है आपको जेजी लेजेंड का एडिशन नहीं दिखेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है जेजी बॉस नॉक डाउन हो चुके हैं। जेजी बॉस का जो है काम तमाम हो गया है यहाँ पे, और बॉस ने जो है किसी को नॉक डाउन किया था, माफ़ करना। और यहाँ पे पीएम मोदी ने जो है ऊपर अपनी डबल किल करके सुअर को जो है रिवाइव दे दिया है। पीएम मोदी ओपी ना चैट हो जाना चाहिए। पूरा का पूरा डीओ वाइप कर लिया है यहाँ पे बंदे ने। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि पीएम मोदी जो है बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। और सुअर के यहाँ पे जो है दूसरा डीओ आ गया है, तो यहाँ पे जो है सुअर और मोदी के साथ बहुत ही भयंकर हो रहा है, और सुअर और मोदी तैयार है इसके लिए। सुअर जो है वापस से वापस नॉक हो गए, या फिर मेरे हिसाब से नॉक किया है उसने। ओ भाई साहब यहाँ पे जो है एक नंबर जो है डबल बैरल चला है सुअर ने। पीवी ड्रैगन का जो है ड्रैगन निकाल दिया, और अननोन भाई ने जो है ग्रेनेड कर दिया है, तो मेरे हिसाब से अभी बच जाने चाहिए। ओ माय गॉड, क्रोनो लगा दिया पीएम मोदी, और ये लोग जो है पैराफल चला के जो है हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है दोनों बंदे रिवाइव हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे जो है एडवांटेज जो है अभी भी ये लोग के पास है, अगर ये लोग रश मार देते हैं। सुअर भाई ने हील कर लिया, लेकिन सुअर भाई ने क्या ही हेडशॉट मारा था। और पीएम मोदी जो है यहाँ पे छा चुके हैं, 5 किल के साथ जो है पीएम मोदी आगे बढ़ रहे हैं। क्या पीएम मोदी जो है इलेक्शन जीत पाएंगे, मेरा मतलब है हमारा FFNS जीत पाएंगे या फिर नहीं। FFNS तो फ्री फायर, N जो है हमारी बिल्डिंग का नाम है, और S जो है आप समझ सकते हो कुछ भी लगा लो। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। FFNC S नहीं, C, ठीक है। C जो होता है ना, C चैम्पियनशिप वाला C, दूसरा वाला C नहीं। तो यहाँ पे जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, सभी लोग जो है यहाँ पे इंटेंसली खेल रहे हैं, ठीक है। 12 बंदे अलाइव है, और सफ़ेद और सुनहरी लोमड़ी जो है अब आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे पीएम मोदी और सुअर को जो और एक बंदे दिखे, ये लोग क्या मारामारी करने के इरादे से। यहाँ पे शायद एक बंदे को पीएम मोदी ने नॉक भी कर लिया है, और पीएम मोदी जो है पूरा का पूरा छा गए 6 किल के साथ। और यहाँ पे जो है स्टार दादा निकले, तो यहाँ पे जो है स्टार भाई का जो है काम तमाम कर दिया है जेजी सुअर ने हेड शॉट के साथ। तो स्टार और बॉस का जो है डीओबी वाइप हो चुका है। इन दोनों का मिला के 8 किल होता है, तो आधे से ज्यादा काम ये लोग ने किया। और सुअर भाई ने जो वापस एक बंदे को स्पॉट कर लिया, स्पॉट कर रहे एक WM के लिए। और यहाँ पे जो है 3 बार ढुचुक होने के बाद जो है हेडशॉट लगा है, लेकिन हेडशॉट जो है लगा है, तो सुअर भाई जो है सीधा का सीधा रश मार रहे हैं। ये जो है यहाँ पे गलती हो सकती है, क्योंकि सुअर के साथ हो चुकी है थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे जो है 2 बंदे खड़े, ओ भाई क्या लेकिन वॉल लगा है, लेकिन जो है 4 जगह से फटका पड़ेगा, तो कुछ काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है पीएम मोदी जो है अकेले बच चुके हैं। यहाँ पे यश भाई ने जो है सुअर का कर दिया था काम तमाम। तो यहाँ पे जो है लोमड़ी जो है लोमड़ियों का डीओ जो है यहाँ पे बहुत ही चालाकी से खेल रहा है, पोजीशन होल्ड करके यश भाई, और ये लोग भी जो है यहाँ पे अभी खड़े हैं। पीएम मोदी जो है यहीं पे घुस रहे हैं। यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो कि पीएम मोदी को भी कहीं कहीं से तो फटका पड़ा है, और मजबूत फटका पड़ा है। तो सभी लोग जो है अंदर ही घिर चुके हैं यहाँ पे, पूरा का पूरा यहाँ पे भसड़ मच गया, पूरा का पूरा सैंडविच हो गया है यहाँ पे, सैंडविच ने भेल हो गया है। और यहाँ पे जो है पैराफोर से, ओ भाई क्या हेडशॉट मारा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो है किल कंफर्म करेंगे मेरे हिसाब से। और यहाँ पे जो है क्या ही खेल रहे हैं मोदी जी, क्या मोदी जी जो है यहाँ पे भुइया करवा पाएंगे और सुअर का सपना साकार कर पाएंगे, या फिर सुअर को जो है अभी भी अपने भुइया के लिए गायल टूर्नामेंट में राह देखनी पड़ेगी। सुअर भाई जो हमारे बहुत ही प्रो प्लेयर है, लेकिन आज तक उनका जो है भुइया नहीं हुआ है। उनका जो रश गेम प्ले होता है उनसे थोड़ा होल्डिंग नहीं होता है, लेकिन जो है बहुत ही बढ़िया खेलते हैं। तो अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 7 प्लेयर्स, लोमड़ी का जो है डीओ, उसके बाद जो है लेजेंड भाई का टीम,
पीएम मोदी जो है अकेले बंदे, और पीएम मोदी का जो है काम तमाम हो गया है यहाँ पे, लोमड़ी ने कर दिया है भाई साहब। क्या खेल रहा है लोमड़ी, लोमड़ी ओपी इन द चैट हो जाना चाहिए। यश भाई जो है यहाँ पे, यश बद्रीचा भाई जो आगे बढ़ रहे हैं, शूटर भाई जो है यहाँ पे खड़े हैं, छः बंदे अलाए हुए, तो मेरे हिसाब से दो डी और दो सिंगल जो है बचे। शूटर भाई जो है अपना पोजिशन होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे जो है, वहाँ पे लोमड़ी दिख रहा है, लेकिन लोमड़ी को जो है डैमेज नहीं दिया जा रहा है, बहुत ही मूर्खता वाला काम किया जा रहा है यहाँ पे। अगर आप लोग जो है पोजिशन होल्ड करोगे तो पोजिशन का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, बुइया का वैल्यू है। आप लोग एक चीज समझो, यहाँ पे पोजीशन होल्ड करके कुछ नहीं मिलने वाला है। अब जो है लोमड़ी आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अब शूटर के पास जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अब तो डैमेज देना ही चाहिए। ओ नहीं 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 भाई साहब, ये इसको समझाओ कोई कि भाई पोजीशन का पैसा नहीं है कि भुइया का पैसा है। M79 लेके भी अगर ये बंदा कुछ नहीं कर पा रहा है तो भाई मैं अभी क्या ही बोलूँ। और यहाँ पे जो है एक बंदे का काम तमाम हो गया है यहाँ पे, तो अब जो है दो डीओ और एक सोलो बचा है भाई। इतना टाइम अगर तू किसी को देगा शूटर भाई, तो हो गया है भाई, एग्जाम छूट जाएगा तेरा भाई मेरे, इतना टाइम नहीं होना चाहिए। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शूटर भाई ने पैसा खाया है कि ऐसा कुछ है, इतना पोजीशन होल्डिंग कभी होता ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में अगर आप सोलो सिस डीओ रहोगे तो 99.9% आप जो है डीओ वाइप नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैन टू मैन ही इतना डिसएडवांटेज हो जाता है। आपके पास M79 और दोनों बंदे जो है एक पोजीशन पे स्टील खड़े थे, तो आपको जो M79 चलाना चाहिए था। मेरे को जो है उसके ऊपर गुस्सा है, लेकिन ठीक है भाई, हम कुछ कर नहीं सकते, अपनी अपनी टैटर्जी, ठीक है टैटर्जी जो है अपनी अपनी हो सकती है। यहाँ पे जो है लोमड़ी और दोनों लोमड़ी जो है बढ़िया खेल रहे हैं, सुनहरी और सफ़ेद। तो यहाँ पे जो है लेजेंड भाई के साथ मिस्टर देव जो है आगे बढ़ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कोई भी बुइया लेके जा सकता है। यहाँ पे शूटर भाई के पास भी एडवांटेज है M79 से, यहाँ पे पूरा पूरा स्क्वाड वाइप भी होता है, ये तो डीओ ही है। तो शूटर भाई जो है आगे बढ़ रहे हैं, शूटर भाई जो है डुचुक डुचुक, अभी भी इनके पास M79 मारने का पूरा चांस है यार। मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करें यहाँ पे जो है, अभी जो है इतना लेट लॉन्चर मारा है और वो जो है अभी बच गए हैं, डिफेंड कर लिया है उन्होंने। अब जो है 117 का जो है डैमेज यहाँ पे जो है राइट में मारना था, लेकिन लेफ्ट में मार दिया बहुत ही ज़्यादा लेट, और क्या स्ट्रैटेजी मुझे पता नहीं है उनकी क्या चल रही है। तो अब जो यहाँ पे ग्रेनेड आ चुका है, और ग्रेनेड से वॉल फूट गई, और शूटर भाई का कर दिया वाइट फॉक्स ने काम तमाम। मैंने पहले ही बोला था कि इतना टाइम जो है लोमड़ियों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोमड़ी जो है फिर शिकार कर लेती है। तो अब जो है डीओ वर्सेस डीओ बचा है, तो कौन जीतने वाला कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। जिसने भी अब तक वीडियो को शेयर नहीं किया दबा के शेयर कर दो जंगली गेमिंग को, और यहाँ पे जो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना गाइस, इंस्टाग्राम पे जो मैं मजबूत वाली रील डालता हूँ, तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। और यहाँ पे जो है एंड बैटल शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पे जो है बेस्ट वर्सेस द बेस्ट, डीओ वर्सेस द डीओ, यहाँ पे जो है किसी को एडवांटेज नहीं है, किसी को डिसएडवांटेज नहीं है। लेजेंड ऊपर से रश मार रहा है, देव जो है नीचे से रश मार रहा है, लोमड़ी और दोनों लोमड़ी जो है अपनी अपनी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। गोल्डन फॉक्स जो है यहाँ पे होल्ड किए हुए हैं, और व्हाइट फॉक्स जो है यहाँ पे जो है आप लोग घास बन चुके थे, और यहाँ पे जो है हेडशॉट जो है लगा है, तो मेरे हिसाब से व्हाइट फॉक्स रश मार देंगे, और यहाँ पे जो है गोल्डन फॉक्स ने घेर के जो इनको मार दिया है, तो एक ही बंदा बचा है। तो अब जो है इजी बुया होना चाहिए यहाँ पे, व्हाइट फॉक्स अगर कोई भी गलती करेंगे तो ही उनका आने का चांसेस है। तो यहाँ पे जो है गोल्डन फॉक्स ने मार दिया है बंदे को, और हो चुका है लोमड़ियों का बुइया। लेकिन जो मैन ऑफ द मैच मैं बोलूंगा पीएम मोदी को मिलना चाहिए, ये लोग का जो है बहुत ही बढ़िया बुइया था। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी वीडियो देखकर आता रहूंगा मैं, तो जल्दी जंगली गेमिंग को सब्सक्राइब कर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।